तो हाँ जी, क्या हालचाल? तो भाई वन प्लस रेडी है अपने नंबर सीरीज को एक्सटेंड करने के लिए। जी हाँ, मैं कई दिनों से बताता आ रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ, लेकिन इस बार तो भाई अलग ही लिख सामने आएगी। जी हाँ, नाम उसका है वन प्लस 13। जी हाँ, आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब तक लॉन्च होगा, कब तक लॉन्च होगा। लेकिन फिलहाल ये तो अभी लॉन्च नहीं होगा इंडिया में, ये नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर के मंथ में इसकी जो प्रोसेसर के साथ आने वाला, वो प्रोसेसर डेब्यू करेगी। उसके बाद चाइना में होगा, फिर उसके बाद अपने यहाँ भारत में देखने को मिलेगा। खैर, इसकी ना कैमरा डिटेल सामने आ गई है, लेंसेज कौन कौन से हैं और प्लस इसके डिस्प्ले क्वालिटी क्या होने वाली है, वो सब कुछ सामने आ चुका है। फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है, जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं वन प्लस 13 में क्या खास होने वाली है। और जल्दी से भाई साहब वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिलती है, और कैसे पैसे कमाएंगे इस वीडियो थ्रू वही बताने वाला हूँ। खैर, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूँ। तो हाल चलिए देखते भाई साहब वन प्लस 13 की बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन, फर्स्ट लुक क्या खास, कैमरा क्या होने वाला है, सब कुछ सामने लिख हो चुकी है भाई साहब, जो शेयर करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो टॉप नॉच होने वाली। जी हाँ, पूरा फुल ग्लास बिल्ड मिलेगा। जी हाँ, ग्लास का बैक होगा, एल्युमिनियम फ्रेम, ग्लास फ्रंट, बट फ्रंट में किस चीज की प्रोटेक्शन है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है। एक विक्टस का तो है, लेकिन 2 है कि कौन सा, कंफर्म नहीं है, 2 बताया जा रहा है। लेकिन फोन का वेट बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 210 ग्राम, थिकनेस 8.8 mm। साथ आपको IP69 की रेटिंग मिलेगी, यानी कि भाई साहब हायर प्रेशर्स में भी ये मोबाइल झेल लेगा, पानी का प्रेशर से भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच होने वाली है। अब भाई दिखने में कैसा होने वाला है, क्या इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं, चलिए बात करते हैं डिजाइन की। दोस्तों, डिजाइन की बात करें तो फर्स्ट लुक सामने आ चुकी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बैक साइड देखेंगे, टॉप पर थोड़ा सा लाइफ साइज में आपको मिलेगा, सर्कुलर ही शेप मिलेगी, जहां पर ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग एलईडी फ्लैश के साथ। वहीं साइड में देखेंगे तो एलर्ट स्लाइडर भी आपको देखने को मिलने वाली है, बीच में वन प्लस का लोगो देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाला, 91% के आसपास बॉय टू रेशियो, यानी कि चीन बेजस 32। कलर्स की बात करें तो 3 कलर्स हैं, व्हाइट है, दूसरा फिर मिलेगा आपको ब्लैक, फिर मिलेगा ग्रीन। ये अभी कलर्स कन्फर्म भी नहीं है, चेंज भी हो सकते हैं, कलर भी कन्फर्म नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये कुछ बताया ऐसा कुछ मिलेगा, देखते हैं जो होगा आपको एक्स में फॉलो कर लीजिए, वहां पर अपडेट कर देता हूं। लेकिन देखा जाए, डिजाइन तो मुझे अच्छी लग रही है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, तो क्या कंटेंट कंज्यूम करने मजा आएगा, यहां भी लिख हो चुका। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। दोस्तों, डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले टॉप नॉच होने वाली भाई साहब, कंटेंट कंज्यूम करने में लिटरली मजा आने वाला, और लार्ज डिस्प्ले यहां मिलेगा, 6.8 इंच की 2x प्रो XDR BOE का X2 LTPO 8 AMOLED पैनल, 3168x1440 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20 का स्पेक रेशियो, 510 PPI की पिक्सल डेंसिटी, 5000 nits की पीक ब्राइटनेस, 120 Hz की रिफ्रेश रेट, 240 Hz की टच सैंपलिंग रेट, HDR 10 प्लस वाइडबैंड L1 Dolby Vision। तो दोस्तों, डिस्प्ले क्वालिटी टॉप नॉच देखने को मिलने वाली भाई साहब, जबरदस्त लार्ज डिस्प्ले है यहाँ पर, नो डाउट वन हैंड यूज करने में तो दिक्कत आएगी। 6.8 का है, 2K का है, ऊपर से BOE का X2 Pro XDR, 8T का LTPO, यानी कि BOE कंपनी का जो डिस्प्ले क्वालिटी टॉप नॉच होने वाली है, ग्रीन लाइन पिंक लाइन इशू तो नहीं होगी, क्योंकि इस बार वन प्लस वालों ने अपने डिस्प्ले ही बदल दिए हैं, तो जबरदस्त यहाँ पर है। प्लस HDR 10 प्लस वाइडबैंड L1 Dolby Vision की HDR कंटेंट रगड़ के देख सकते हैं, 510 PPI की पिक्सल डेंसिटी, यानी कि पिक्सल शार्प नजर आने वाली है, क्वालिटी जबरदस्त होने वाली यहाँ पर है। अब 10 बिट्स का कि 12 बिट्स का ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन 10 बिट्स बताए जा रहे हैं, कलर्स अच्छे आने वाले हैं यहाँ पर है। उड़ते हुए कबूतर से ही पता चला है कि वैसा नेटफ्लिक्स का भी सपोर्ट देखने को मिलना है, कि अब HDR कंटेंट नेटफ्लिक्स का भी देखेंगे, जबरदस्त होने वाला है। रिफ्रेश रेट टच सेफ को शानदार है, सोशल मीडिया पेज इसको गेमिंग करने में मजा आने वाला है। अब सवाल है कि सब कुछ तो अच्छा है, गेमिंग करने में कौन सा ऐसा भाई प्रोसेसर है जो कि अक्टूबर के मंथ में लॉन्च होने वाली है। लेजेंड को तो पता चल गया होगा, जो भी होंगे कुछ को पता चलने, बता दूं कि चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। दोस्तों, परफॉर्मेंस की बात करें तो इस डिवाइस को शक्ति देगी क्वालकॉम से स्नैपड्रैगन 8 जेन 4 प्रोसेसर, दमदार प्रोसेसर भाई साहब, बटरी स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, रॉकेट की तरह काम करने वाली है, 3 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन बनाया गया, एनर्जी इफिशियंसी जबरदस्त है, प्लस वन प्लस की तरफ से लार्जर वेपर चैम्बर कूलिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाली, यानी कि हीट के चांसेस बहुत ही कम, यानी कि ना के बराबर होगी।
कितना पावरफुल है, चलिए नजर आते इसका रॉक रेडिएशन मिलता है 2 Cortex X925 जो कि 4.26 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक किया गया है, वहीं 6 Cortex A725 जो कि 2.8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक के परफॉर्मेंस भाई बटरी इसमें बम्पर है, गेमिंग आराम से 90 FPS तक का सर यहाँ मिलता है, एड्रीनो 760GB साथ ही LPDDR5T रैम, UFS 4.0 वाला स्टोरेज देखने को मिलती है, रीड राइट की आपको डिसेंट में जबरदस्त मिलेगी, डिसेंट मीन जबरदस्त। कितना ऑटो स्कोर है 30,70,000 यानी कि भाई साहब रॉकेट की तरह काम करने वाला है 13.5G बैंड के साथ जबरदस्त। हाँ 5T जो बताया हूँ शायद इंडिया में आपको देखने को मिलने वाला हो, यहाँ पर 5X तक शायद देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी खेला की जाएगा, बेस वेरियंट 3.1 होगा इसका, हाई वेरियंट UFS 4.0 सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। अब सवाल है कि इमेज कैसा करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, सेल्फी कैसा होने वाला है, चलिए बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों कैमरा की बात करें, कैमरा की डिटेल सामने आ चुकी, लेंसेज कौन कौन से यूज किए गए हैं टॉप नॉच है, यहाँ पर ट्रिपल कैमरा है, तीनों ही जबरदस्त है, पहला 50 MP मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ सोनी लाइट या 808 सेंसर, वही 50 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सोनी IMX882 सेंसर, वही 50 MP का ही पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस OIS सपोर्ट के साथ सोनी IMX882 सेंसर 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करेगी, जहां से 8K 30 FPS कर रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K 60 FPS 1080p 2K रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्वालिटी बम्पर आने वाली है। आपके खूबसूरत चेहरे को रील्स बनाने के लिए यहां पे आपको 50 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा, बताया जाएगा सोनी IMX882 सेंसर यूज किया जाएगा, चांसेस यही है, इसके अभी डिटेल सामने नहीं है, चांसेस यही है, यहां से 4K 1080 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्वालिटी बम्पर होने वाली है। अभी सबको चलाने के लिए पावर तो चाहिए ना, तो कितना एमएच की बैटरी मिलेगी, चलिए बात करते हैं बैटरी की। दोस्तों बैटरी की बात करें तो दिल में हाथ पत्थर रख लीजिए, यहाँ बैटरी वैटरी नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पर बैटरा मिलेगा, पूरे 6000 mAh की बैटरी, 120 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट, साथ ही 65 वॉट की वायरलेस और 10 वॉट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, इस बार 65 वॉट का वायरलेस कर लिया गया है। चार्जर बॉक्स में डेफिनेटली मिलेगा, बैकअप शादी निकाल के देगा, डिपेंड करता है ऊपर कैसे यूज करते हैं, लेकिन अब बात करें इसके सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की, नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगी अल्ट्रासोनिक वाली, इतना फास्ट काम करेगा, फेस आईडी आपको मिलेगी अनलॉक करने के लिए, डेफिनेटली सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सी फैन, 5 चैनल पुटर, NFC, आई एम ब्लास्टर सब मिलेगा, यूएसबी टाइप सी पोर्ट, डुअल स्टोरेज स्पीकर जो कि डॉल्बी एटमॉस सेटिंग की जाएगी, साउंड क्वालिटी बम्पर होने वाली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, ना कोई 3.5 mm ना कोई हार्ड आपका कार स्लॉट देखने को मिलने वाला है। अब बात करें इसके सॉफ्टवेयर की, दो सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये भी लीक हो चुकी है, एकदम से लेटेस्ट मिलेगा एंड्रॉइड 15 के ऊपर आउट ऑफ रिवर्स, ऑक्सीजन OS 15 के साथ नीट एंड क्लीन ब्रॉडवेयर नहीं मिलने वाले हैं, हल्के मुल्के ऐड जो होंगे लेकिन वो भी मतलब इग्नोर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात अपडेट सिक्योरिटी, तो 4 साल एंड्रॉइड 5 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके वेरिएंट्स की, दोस्तों वेरिएंट्स की बात करें तो मल्टीपल वेरिएंट्स बताए जाए देखने को मिलेंगे, जैसे 1+12 देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम वही मिलेगा, 12+256, 16+256, 16+512 और 16+1TB ऑप्शंस अच्छे हैं, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट वैसा सिलेक्शन, बट सवाल है कि पहले तो इस वीडियो थ्रू पैसे कैसे कमाएंगे और इस डिवाइस की प्राइस क्या हो सकती है सब बताएंगे, अपना एक टारगेट है, जल्दी से 200 लाख का टारगेट पहुंचा दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली साथ, चैनल परिवार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर चलिए बात करते हैं प्राइस की, दोस्तों प्राइस की बात करें तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप बताइए आपके साथ की प्राइस क्या होनी चाहिए, डिजाइन कैसे लगी, स्पेक्स कैसे लगी, कितने एक्साइटेड है 1+13 को लेकर, बताए कमेंट करके, कमेंट कीजिए प्राइस आपका रेंज क्या है, मैं आपको कमेंट करके जरूर बताऊंगा कितना तक आप सही जा रहे हैं, ये मैं आपको छोड़ता हूं क्योंकि मैं अभी प्रिडिक्शन नहीं लगाऊंगा, आप कमेंट कर बताइए और कमेंट करेंगे उसी में आपको मोटिवेशन मिलेगा, पैसे कमाने के चांसेस देंगे, जो जितना कमेंट करेंगे मंडे टू सैटरडे इवन संडे को भी कमेंट करेंगे, पिक किया जाएगा, रैंडमली कमेंट सेलेक्ट किया जाता है किसी एक बंदे का, विनर का नाम अनाउंस होगा, लेकिन इस बार 2 विनर का नाम अनाउंस होगा, क्या प्राइस बनी होगी, कैसे क्लेम करना सब बताया जाता है, इसलिए कमेंट करते रहिए, प्यार बरसाते रहिए, इस भाई का 200 लाइक का टारगेट पहुंचाते जाइए और फैमिलीज में जुड़ते जाइए, यानी कि सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।